आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। लूट का आरोपी गिरफ्तार। बेड़िया, जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले मजदूर को मोटरसाइकिल पर रास्ते में लिफ्ट देकर दूसरे रास्ते ले जाकर रास्ते में मार पीट कर पिस्तौल जैसी गन दिखाकर पर्स और मोबाइल लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए बेड़िया थाना प्रभारी सौरभ बातम ने बताया, दिनांक 27 मार्च को गोबरीखेड़ा निवासी मनीष पिता मनोहर जेसीबी चलाने की मजदूरी 5000 रुपए लेकर बोरूट से सनावत जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल वाले ने सनावत छोड़ने के बहाने बैठाया और हीरापुर से दूसरे रास्ते पर ले आया। पूछने पर ये रास्ता जल्दी पहुंचाएगा ऐसा कहा। इस तरह बेड़िया पुरानी मिर्च मंडी के आगे कच्चे रास्ते में उतार दिया। पिस्टल जैसी दिखने वाली गन दिखाकर पर्स जिसमें 5000, मोबाइल छीन लिया, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मुखबिरों को सक्रिय कर गहन छानबीन के बाद अज्ञात व्यक्ति रुस्तमपुर पंधाना निवासी शिवकुमार पर शंका के आधार पर उसके घर पुलिस टीम भेजी। थाना पंधाना में शिवकुमार की जानकारी प्राप्त करने पर उस पर पूर्व में मारपीट, चोरी, बलात्कार में सहयोगी जैसे मामले दर्ज हैं। वहां से शिवकुमार की तलाशी के बाद मुखबिर द्वारा बताया गया जिस आरोपी और मोटरसाइकिल की तलाश है वो ग्राम भुलगांव में टपरी के पीछे खड़ी है। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दबिश दी, जहां एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम शिवकुमार बताया। उसे थाने लाकर पूछताछ करने पर आरोपी ने लूट कबूल की, जिसमें पुलिस ने उसके पास से घटना में उपयुक्त मोटरसाइकिल, फरियादी का मोबाइल, लूट के 5000 में से 3500 रुपए और गैस लाइटर जो हूबहू पिस्टल जैसा दिखता है जब्त किया। बेड़िया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट। लूट का मामला सामने आया था, क्या मामला है सर? ये दिनांक 28 को थाना बेड़िया पर एक लड़का 19 वर्षीय मनीष निवासी गोबरीखेड़ा थाना बलवाड़ा का निवासी था, ये अपने पिताजी के साथ आया और उसने बताया था कि दिनांक 27 रविवार के रोज ये है जो अपने मजदूरी के जो जेसीबी मशीन चलाता है उसकी मजदूरी के 5000 रुपये अपने सेठ के घर से ग्राम बोरूट से लेकर और पैदल पैदल आ रहा था, तो मुझे बोले साहब एक मोटरसाइकिल वाला मिला और उसने मुझे सनावत जाने के लिए लिफ्ट दी और उसी दौरान जो है बेड़िया के पहले जो पुरानी मिर्च मंडी है उस मंडी के कच्चे रास्ते पर उसने मुझे रोककर पिस्टल दिखाकर और मुझे मारपीट कर मुझसे मेरे 5000 रुपये और एक मोबाइल छुड़ा दिया। अब चूंकि सूचना काफ़ी गंभीर थी, लूट की घटना थी, हमने तत्काल जो है इस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाया, उनके द्वारा तत्काल मार्गदर्शन दिया गया। इसमें हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सिद्धार्थ चौधरी जी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर श्री नीरज चौरसिया जी व हमारे बड़वा सब डिविजनल के SUP श्री विनोद दीक्षित जी ने से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और थाना स्तर पर ही हमने एक टीम गठित की और फरियादी के द्वारा बताई हुई मोटरसाइकिल के नंबर को हमने हमारे पुलिस विभाग के MP पुलिस BDP पोर्टल पर जब हमने चेक किया तो ये मोटरसाइकिल जो है ग्राम मिटावल जो थाना चैनपुर में पड़ता है वहाँ के एक रिंकू के नाम से दर्ज होना पाई। हमने तत्काल जो है वहाँ टीम भेजी और टीम भेजकर रिंकू को दस्तयाब किया और रिंकू से पूछताछ की गई उस घटना के संबंध में, तो उसने बताया कि मेरी ये मोटरसाइकिल दिनांक 27 तारीख को करीब दोपहर 12 बजे उसके ही घर से मिटावल से उसका दोस्त शिव कुमार जो कि रुस्तमपुरा थाना पंधाना जिला खंडवा का रहने वाला है वह मांग कर ले गया और सर बोले मेरी मोटरसाइकिल अभी भी उसी के पास है और उसका मोबाइल भी अभी स्विच ऑफ आ रहा है। हमारे द्वारा तत्काल मुखबिरों को जो है इस संबंध में जानकारी दी, तभी हमको 29 तारीख को हमारे मुखबिर ने बताया कि साहब जिस गाड़ी को आप तलाश कर रहे हैं मोटरसाइकिल को वह हमने भुलगांव तरफ देखी है। हमारी टीम तत्काल जो है पूरे भुलगांव में पहुंची और टीम को सर्चिंग की, सर्च करते हुए एक टापरी के पीछे वो मोटरसाइकिल हमने देखी तो वहाँ खड़ी हुई थी और टापरी के अंदर देखा तो एक व्यक्ति जो है वहाँ बैठा हुआ था, उससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शिव कुमार पिता सेरू जाति भील और निवासी ग्राम रुस्तमपुर थाना पंधाना जिला खंडवा का उसने बताया, जिसके पूछताछ करने पर उसने उस घटना को स्वीकार किया और अपने पास से जो घटना में लूटा गया मोबाइल और रुपए और जो मोटरसाइकिल उसने पुलिस को जब्त कराई है और उसके कब्जे से घटना के समय जो एक पिस्टल जैसा फरियादी ने बताया था कि सर एक पिस्टल जैसी गन जो है मुझे दिखाई थी वह हमने जब्त की है, क्योंकि वह गन जो है ओरिजिनल पिस्टल नहीं है, एक गैस लाइटर है
उनको विधिवत जब्त किया गया है। और हमने जब जानकारी इस आरोपी की थाना पंधाना से ली तो इस पर एक एक प्रकरण, एक प्रकरण मारपीट का, एक प्रकरण चोरी का व एक प्रकरण इसका 376 बलात्कार का पंजीबद्ध है, जो कि न्यायालय विचाराधीन है। अभी आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसको आज न्यायालय पेश करेंगे और अन्य थानों को भी जो वारदातें हुई हैं संपत्ति संबंधी, उस संबंध में जो है उससे पूछताछ की जाएगी। सर, आरोपी के पास से कुछ रुपये भी निकले जब्ती हुए? जी हाँ, आरोपी से जो 5000 रुपये उसने लूटे थे, उन रुपयों में से उसने 1500 रुपये अपने खाने पीने में खर्च कर दिए, 3500 रुपये पुलिस द्वारा जब्त किए। थैंक यू, धन्यवाद।